हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह, ज्ञान प्राप्त भाई रंजन सर से। तो देखिए, आज प्रश्नावली कक्षा 12 का प्रश्नावली 7.1 में पहला क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं। दिया है कि निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज समाकलन, प्रति अवकलज का अर्थ होता है समाकलन, निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले निरीक्षण विधि का नियम यह होता है कि सबसे पहले हमें ज्ञात करना होता है कि यह जो क्वेश्चन दिया गया है वह साइन एक्स किसका अवकलन हो सकता है। निरीक्षण विधि का अर्थ ये होता है कि यह किसका अवकलन हो सकता है, तो उसी का अवकलन हम लेकर इसका हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स जो है, हम देखेंगे कि कास एक्स का होगा, तो कास और एक्स के स्थान पर जो भी इसके थीटे के स्थान पर होगा उसको रखेंगे और यहाँ पे अवकलन का रूप लगाएंगे। तो जब इसका हम जब अवकलन करेंगे तो कास एक्स का आप जानते हैं कि साइन एक्स वो भी माइनस के रूप में सूत्र होता है, परंतु इसका पुनः अवकलन करके इसमें गुणा किया जाता है। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन 2 होगा, जो कि यहाँ पे गुणे के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ जो गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा और dx को उधर हम गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पे भाग करा तो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो माइनस है हम इधर ट्रांसफ़र कर दिए, और यहाँ पे जो है कास 2x इसी प्रकार से रहेगा, और यहाँ पे साइन बचा साइन 2x, और यहाँ से जब चला गया ये dx, अर्थात यहाँ पे अब समाकलन हम लगा सकते हैं, अर्थात इतने का समाकलन हमें इतना प्राप्त हो गया। इतने का समाकलन, देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को हल किए हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, सोचेंगे कि इसका क्या अवकलन, कौन सा अवकलन इस रूप में आ सकता है, और उसे देखकर हम उसको परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पे अवकलन करके यहाँ पे कर दिए, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन।